नहीं होता दिया आपने सीएम साहब को कि नहीं 13 तारीख आप सबको नहीं होता आप सब आए और राजनीति को खबर बताई आपने कि जो दिल्ली में अब हम आराम से बात करेंगे बताया आपने अपनी होने वाली पार्टनर को खबर शेयर की कि नहीं बिल्कुल बताया आगे और भी बताएंगे और आपको भी बताएंगे बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन है राघव चड्ढा के लिए बड़ा दिन 13 तारीख है सबसे पहले आपको शुभकामनाएं आप जिस औपचारिक रिश्ते में जा रहे हैं लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया राघव आम आदमी पार्टी उसे कैसे देखें देखिए आज का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो ऐतिहासिक है एक लैंडमार्क जजमेंट है और इस जजमेंट ने आज मोहर लगा दी है कि दिल्ली को चुनी हुई सरकार चलाएगी दिल्ली को कोई पैराशूट किया गया उपराज्यपाल या केंद्र सरकार नहीं चलाएगी ये दिल्ली वालों की जीत है लोकतंत्र की जीत है और कहीं ना कहीं पिछले 8 साल से दिल्ली के अंदर जो ये लगातार लड़ाई चल रही थी और एक प्रकार से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की कोशिशें बीजेपी द्वारा की जा रही थी आज वो बीजेपी के मुंह पे करारा तमाचा है और सही मायने में आज मैं कहूंगा कि लोकतंत्र की जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत सलाम करते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा करी और अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे नेता हैं वो पिछले 8 साल से दिल्ली वालों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते आए तो आपके लिए खुशी का दिन है उनके लिए उनके संघर्ष की जीत है तो यानी 13 तारीख को जो सेलिब्रेशन है वो और बड़ा होगा आज आप इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सेलिब्रेट करिए ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए हम सब लोग 8 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे सरकार के लिए है लेकिन राघव चड्ढा आजकल जब मिलते हैं तो उनसे पूछा जाता है राजनीति बहुत हुई पर नीति का आज भी मुझसे राजनीति पे सवाल करिए और मैं राजनीति पे जवाब दूंगा मुझे आज भी याद आता है कि जब हमारी 2015 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी और सरकार बनी ही थी तो उस समय केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन लाकर जितनी शक्तियां हमारे पास थी हमसे सारी छीन ली थी शीला दीक्षित सरकार जब होती थी कांग्रेस की सरकार होती थी दिल्ली में उसके पास ये सारी शक्तियां थी लेकिन एक बदले की भावना द्वेष की भावना और शुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित होते हुए बीजेपी की सरकार ने वो सारी शक्तियां हमसे छीन ली थी 8 साल बीत गए इस जद्दोजहद में लेकिन अंत में 8 साल बाद आज केजरीवाल साहब की दिल्ली वालों की और देश के लोकतंत्र की जीत हुई है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं अब आपको बहाना नहीं मिलेगा किसी भी तरह का कि ये नहीं हमारे पास वो नहीं अब आपको काम करना पड़ेगा आज बीजेपी वालों को मुझे लगता है कि आपके कैमरे पर भी नहीं आना चाहिए आज उन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए उन्हें पश्चाताप करना चाहिए कि 8 साल उन लोगों ने दिल्ली वालों के बर्बाद कर दिए आप खुद सोचिए अगर मोहल्ला क्लिनिक तेज रफ्तार पे बने हम 1000-1500-2000 मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते थे आज अगर बन जाते तो दिल्ली वालों के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए कितनी बेहतरी की बात होती एक सवाल महाराष्ट्र पे भी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं जो अदालत का फैसला हालांकि उद्धव ठाकरे की सरकार बहाल नहीं हो सकती आपको भी लगता है उद्धव ठाकरे ने बहुत जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया देखिए मैंने अभी उस जजमेंट की कॉपी नहीं पढ़ी है और आपको सच बताऊं तो जैसे ही दिल्ली का फैसला समाप्त हुआ और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिल्ली का फैसला सुनाया उसके बाद हम सब लड्डू बांटने लग गए ढोल बजाने लग गए मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मिलके आया उनके निवास स्थान से निकल रहा हूँ तो हम सब बहुत खुश थे अभी महाराष्ट्र के जजमेंट को गंभीरता से नहीं देखा लेकिन न्योता दिया आपने सीएम साहब को कि नहीं 13 तारीख नहीं आप सबको न्योता आप सब आए और राजनीति को खबर बताई आपने कि जो दिल्ली में अब हम आराम से बात करेंगे ये तो बताया आपने अपनी होने वाली पार्टनर को खबर शेयर की कि नहीं बिल्कुल बताया आगे और भी बताएंगे और आपको भी बताएंगे लेकिन आज मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा उनके मुंह पे करारा तमाचा है उन्होंने 8 साल जो हम सबके बर्बाद कर दिए लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई सत्य में विजय थे और दिल्ली वालों को सलाम मेरे नेता अरविंद केजरीवाल के संघर्ष को सलाम हम उस नेता को सुन रहे हैं जिनको मैंने सीए से ऐसे राजनीति में परिपक्वता होते देखिए अब आप देख रहे हैं चाल ढाल हो रही है राघव चड्ढा का सब कुछ बदल चुका है लेकिन हाँ दिल्ली के लिए बड़ा दिन है दिल्ली सरकार के लिए और खासकर आम आदमी पार्टी के लिए विशेष रिपोर्ट को लेकर मैं आशुतोष मिश्रा